तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर इतिहास मॉडल पेपर के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो मॉडल पेपर है वो है बीए सेकेंड ईयर इतिहास फर्स्ट पेपर का। तो दोस्तों, आपको वीडियो को इन तक ज़रूर देखना है। जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है। उन सारे स्टूडेंट को आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि हाँ, एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जैसा कि बीए बीएससी बीकॉम के अगर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, अगर वो भी किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहते हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं मॉडल पेपर आप तक वीडियो पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये पिछले ईयर का है, यानी कि जो इससे पिछले ईयर था उसी का ये मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, ये जो सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन 100% मैं गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि ये सारे आपके एग्ज़ाम में आने वाले, मैं ये कह सकता हूँ कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं, अदरवाइज बाद में आप लोग बोलने लगे कि सर, आपने जो बताया था उसमें से कोई क्वेश्चन आया था, कोई आया ही नहीं, तो ऐसा कोई इशू ना रहे, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। सभी यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सबके जो क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, ठीक है, और जो पूर्णांक होता है वो भी डिफरेंट होता है। किसी का 70 नंबर का पूर्णांक हो सकता है, ठीक है, किसी में 100 नंबर का पूर्णांक भी हो सकता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग। तो आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा, जैसा कि आपने पिछले ईयर जिन जो बी ए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट रहे होंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि कितने मार्क्स का होता है पूर्णांक, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, बलबन के राजत्व सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, वह उन्हें प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रहा। तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कई बार, तो हो सकता है आ जाए आपके एग्जाम में, और अथवा करके यहाँ पे लिखा है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अथवा लिखा है तो आप नीचे वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या ऊपर वाला करें या नीचे वाला। अलाउद्दीन खलजी की बाजार नियंत्रण नीति को समझाइए, वह कहाँ तक सफल रही। तो इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है, यानी कि डिस्क्राइब करके लिखना है। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं सेकेंड ईयर में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, आपको पेपर मिलेगा उसमें आपको पूरा जितने भी इसके संदर्भ जो भी है विवेचना सिद्धांत जो भी डिटेल है आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें से एक करिएगा, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, दोनों नहीं करना है, आपको नंबर एक ही का मिलेगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फिरोज तुगलक की उपलब्धियों तथा असफलताओं का ध्यानपूर्वक वर्णन कीजिए। तो जो फिरोज तुगलक की उपलब्धियां हैं और असफलता को ध्यानपूर्वक वर्णन कीजिए, तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करके लिखना है, थोड़ा लॉन्ग में, ठीक है, कि वो कम से कम 2-2.5 पेज में आए, क्योंकि जब तक 2-2.5-3 पेज के नहीं रहेगा तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके ही लिखना है। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो इसका आंसर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। नए ईयर की यानी कि इस साल की सीरीज, यानी कि जो आप लोगों के सीरीज हैं क्वेश्चन बैंक, वो भी शायद मार्केट में आ गई होंगी, तो आप अपने जो भी आपके यूनिवर्सिटी में चलती है सीरीज वो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, उसमें भी मिल जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर आप गूगल पे डालेंगे तो आपको सर्च होकर उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये इसकी जो पीडीएफ है ये कहाँ मिलेगी सर, जो आप बता रहे हैं पीडीएफ कैसे हमको मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आप ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट को अथवा करके उसमें है, फिर अथवा में है, विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए, या वो क्वेश्चन करना है या ये, तो आप इसमें से एक करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, अकबर की राजपूत नीति का वर्णन कीजिए। तो
तो अकबर की राजपूत नीति का पूरा आपको वर्णन करना है या फिर अकबर की धार्मिक नीति के विकास का निरूपण कीजिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य के संस्थापक के रूप में शिवाजी का मूल्यांकन कीजिए। तो अथवा करके फिर दूसरा क्वेश्चन है, मुगल कालीन स्थापत्य कला के विकास का वर्णन कीजिए। इसमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन करना है, ये ध्यान देना है। बस पांच क्वेश्चन है इसमें, टोटल हो सकता है पांच छह क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि ये जो एक क्वेश्चन रहता है लगभग कोई 10 नंबर का, कोई 15 नंबर का, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जहाँ तक हो सके मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करता रहूँगा। तो मॉडल पेपर से इस आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, तब से आप लोगों को आइडिया लगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर कुछ तो आइडिया बताइए, कुछ मॉडल पेपर ही बताइए, तो आपको आई होप आइडिया लग गया होगा। और फिलहाल मैं अभी ये PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये मैं बता दूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। जैसे वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे वेबसाइट पे, वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होंगे तो वहाँ पर आपको BA, BSc फिर मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड कोई करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं सलूशन बता दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप और भी मॉडल पेपर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।